भाईजान सलमान खान ने दे दी है इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी ना सिर्फ दर्शकों को, फैंस को, उनके चाहने वालों को, पर एग्जिबिटर्स और थिएटर ओनर्स को भी। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको सभी को ये बता दूं कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, ये जो फिल्म है ये 2020 की सबसे अवेटेड फिल्म थी। हालांकि कोरोना के वजह से ये फिल्म जो है वो पोस्टपोन हो गई और हाल ही में हमने सभी ने ये देखा था कि एग्जिबिटर्स और थिएटर ओनर्स ने एक खत लिखा था सलमान खान के नाम, और सलमान खान को ये रिक्वेस्ट की थी, दरख्वास्त की थी उन सभी ने कि यार राधे ये जो फिल्म है, ये फिल्म प्लीज कृपया करके आप थिएटर्स में लगाए, थिएटर्स में रिलीज कीजिए, ताकि हमने जितना भी लॉस झेला है 2020 में, वो सारा ना सारा का सारा पर थोड़ा बहुत लॉस तो भर आएगा, और आपके सारे के सारे फैंस की जितने भी प्रिकॉशंस लेने हैं, कोविड के सारे जो गाइडलाइंस हैं वो सभी को हम मान्य करते हुए ही आपके फैंस की भी अच्छे से देखभाल करेंगे। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस पर भाईजान सलमान खान ने फाइनली चुप्पी तोड़ी है और सभी थिएटर ओनर्स को कर दिया है रिवर्ट, और खुशखबरी के साथ ऐलान कर दिया है कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ये फिल्म थिएटर्स में ही लगेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ईद 2020 पर, तो इंशाल्लाह ईद 2021 पर ही ये जो फिल्म है वो थिएटर्स में हमें देखने मिलने वाली है। और सलमान खान जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक नोट में ये लिखा है कि हालांकि मेरे तरफ से थोड़ी सी देर हो गई आप सभी को रिवर्ट करने के लिए, पर आप अटमोस्ट केयर के साथ यानी पूरी की पूरी देख रेख के साथ ही मेरे फैंस को वेलकम कीजिएगा थिएटर्स में। मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था, तो ईद 2021 पर हमारी राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, द मोस्ट वांटेड फिल्म भाईजान की रिलीज होने वाली है। तो आप कितने एक्साइटेड है थिएटर्स जाने के लिए, फिर एक बार देखने के लिए भाईजान को बड़े पर्दे पर, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। तांडव के कास्ट एंड क्रू ने पेश किया है अपना माफीनामा। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि तांडव ये जो वेब सीरीज 15 जनवरी को आई है, उसके बाद से ही उस वेब सीरीज पर बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज होते हुए नजर आई। हालांकि बहुत से दर्शक जो है उन्होंने ये भी कहा कि यार ये जो कंटेंट बनाया गया है वो अच्छा नहीं है, और बहुत से समाजों को, बहुत से धर्मों को वो विवादजनक भी लगा है। अब मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों कि हाल ही में अली अब्बास जफर जो है, जो तांडव इस वेब सीरीज के डायरेक्टर है, उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर माफीनामा पेश किया है पूरे के पूरे कास्ट एंड क्रू के तरफ से, और उन्होंने ये तहे दिल से सभी से माफी मांगते हुए ये कहा है कि हम किसी भी जाति या धर्म के लोगों के किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, हमने पूरी की पूरी कोशिश की है, क्योंकि ये जो वेब सीरीज है इट्स जस्ट अ वर्क ऑफ फिक्शन। जी दोस्तों, ये सिर्फ एक फिक्शन है, ये सच नहीं है। जीवित या मृत किसी भी व्यक्ति या किसी भी धर्म को एक प्रकार से ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं थी, ये सिर्फ एक वर्क ऑफ फिक्शन है, वर्क ऑफ आर्ट है। और जिन भी लोगों को इस काम से या तांडव इस वेब सीरीज से ठेस पहुंची है, उनके भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को या व्यक्तिगत भावनाओं को, तो हम सभी पूरी की पूरी कास्ट एंड क्रू तहे दिल से माफी मांगती है। क्योंकि उन्होंने ये भी है कि बीबीसी के तरफ से उनको ये भी आया था कि फाइनली यू नो बहुत से लोगों ने बहुत सी पेटिशन्स फाइल की हुई है, बहुत से लोगों ने आपत्ति है उनको कोई कोई पार्ट्स पर इस वेब सीरीज़ के, वो भी सुनने में आया, और इसलिए उन्होंने ये माफ़ीनामा जो है पूरी की पूरी कास्ट एंड क्रू के बिहाफ पर पेश की है। आपको क्या कहना है बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। इस वीकेंड के बाद झूम उठा पूरा का पूरा बिग बॉस सीजन 14 का घर। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।
दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 के घर वीकेंड का वार चल रहा था और वीकेंड के वार में सभी के सब जो है वो डांस करना शुरू कर देते हैं, जहां पर राखी और राहुल जो है वो लावनी का डांस परफॉर्म करते हैं, जहां पर राखी के संग राहुल झूम उठते हैं। तो वहीं पर इस तरफ अगर हाउसमेट्स झूम रहे हैं तो उस तरफ सलमान खान भी अपने आप को डांस करने से रोक नहीं पाते। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सोनाली फोगाट, जिन्होंने हाल ही में एली गोनी के तरफ अपनी फीलिंग्स शेयर की थी, वो डांस करते हुए नजर आई है एली गोनी के साथ, और सलमान खान जो है वो ब्लश करते करते उनको सिर्फ देख रहे थे, और जो जिस गाने पे वो परफॉर्म कर रहे थे उस गाने को एक प्रकार से गाते हुए गुनगुनाते हुए नजर आए। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद एली गोनी ने तो डांस किया ही, पर राहुल वैद्य और अर्शी खान, जिन दोनों की जरा भी एक दूसरे के तरफ दोस्ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी ही नजर आती है, वो दोनों भी एक दूसरे के संग डांस करते हुए नजर आए। तो इस प्रकार से सभी के सभी हाउसमेट्स जो है, घर के सदस्य जो है, वो झूम रहे थे घर के अंदर, तो घर के बाहर से उनको साथ देते हुए नजर आए नन अदर देन हमारे सलमान खान। आपको क्या कहना है इन सब के मस्ती के बारे में जो वीकेंड के वार पे हमें देखने मिला, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। Not very spicy, right? No, I think that's fine. Keep to the spice. This is alonji. Onion seeds. Which is supposed to be really, really good for your health. And this, my dear, is salt. Namak. और को थोड़ा सा कम ही डालेंगे। ये अब बच्चा, ये ऑयल, दिस मस्टर्ड ऑयल है क्या? ये आई थिंक ऑलिव ऑयल है। सब गड़बड़ कर दे। अरे मस्टर्ड ऑयल है ये। अभी आपके पास ऑलिव ऑयल था नहीं तो मस्टर्ड ऑयल। Are you putting raw mustard oil? Yeah, because heart friendly olive oil होता है। मस्करी करना है तो mustard oil डालो। Need to be really ripped for this, otherwise gal wants to be hindered. Lovely. Amazing. खुद की तारीफ, very good. सलमान खान ने हाल ही में खोया है अपना एक टीम मेंबर और उनके लिए उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया है। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि भाईजान सलमान खान जो है उनके साथ जो भी काम करता है उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, और उन्हीं में शामिल थी उनकी सेलिब्रिटी मैनेजर पिस्ता। जी दोस्तों, पिस्ता जो है वो उन के साथ बहुत सालों से काम कर रही थी और वो सलमान खान का सारा काम जो है वो संभाला करती थी। अब उनकी जो मौत है वो हुई है एक एक्सीडेंट में, और सडनली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम सभी ने उनको खो दिया और वो हमारे बीच अब नहीं है।
दोस्तों, तो उनके लिए सलमान खान जो है उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर और लिखा है रेस्ट इन पीस पिस्ता, और जहाँ पर वो दिख रही है सलमान खान के साथ बैठी हुई। जी दोस्तों, तो कभी कभी हमें नहीं समझ में आता कि चंद सेकंड्स में हम किसी को फट से खो देते हैं और उसके बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि आखिरकार वो इंसान हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जी दोस्तों, तो सलमान खान के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं तो है ही, पर उसी के साथ साथ मे पिस्ता सोल रेस्ट इन पीस जस्ट लाइक सलमान खान हैड टू से। दोस्तों, आपके कंडोलेंसेस जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। हम अब तक तो बहुत सी अफवाहें सुन रहे थे कि करण जौहर के साथ विजय देवराकोंडा काम करने वाले हैं, बट फाइनली अब एक पोस्टर आउट हुआ है जिस फिल्म का नाम है लाइगर साला क्रॉस ब्रीड। जी दोस्तों, ये टैगलाइन है इस फिल्म की, और ये जो फिल्म है इसमें हमें विजय देवराकोंडा के ऑपोजिट दिखने वाली है नन अदर देन अनन्या पांडे। जी दोस्तों, इस पोस्टर में हमें ये देखने मिल रहा है किस तरीके से टाइगर और लायन, ठीक है, इन दोनों का भी एक क्रॉस ब्रीड बनाया जाए तो वो कितना ही पावरफुल रहेगा। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से विजय देवराकोंडा जो है वो एक बॉक्सर है, और एक बॉक्सर का जो पावर है वो एक लाइगर के जैसा है, यानी लायन और टाइगर का क्रॉस ब्रीड। अब ये देखना है कि आखिरकार इस फिल्म में हमें और कौन कौन देखने मिलने वाला है, क्योंकि ये फिल्म जो है ये पैन इंडिया रिलीज़ होने वाला है और सभी भाषाओं में, यानी तेलुगू, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी भाषाओं में ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हैं विजय देवराकोंडा को बॉलीवुड में अपना डेब्यू करते हुए देखने के लिए, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज़ अड्डा।